Hello students, welcome to online class. Today I discuss about the metals and non-metals. Now in this class, first you learned about the what is element. Elements is the purest form of the substances that are made up of only one types of particles. It means elements cannot be broken into another types of substances or other types of particles. Suppose iron, this is the iron, it is made up of only one kind of particles. अगर इसको आप तोड़ते जाते हैं तो सिर्फ आपको आयरन पार्टिकल्स मिलेंगे, अगर कोई पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं वी कैन से दैट आयरन इज द एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू अनदर सब्सटेंसेस इज नोन एज एलिमेंट. एलिमेंट्स को हम दो पार्ट या दो से ज़्यादा पार्ट किसी पार्ट को तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं वह एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं, उसमें दो तीन तरह के पार्टिकल्स मिले हुए नहीं होते हैं. तो हम कह सकते हैं एलिमेंट्स क्या है, इट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू अनदर सब्सटेंसेस इज नोन एज एलिमेंट्स. इट मीन्स एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. नाउ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस 118 नोन एलिमेंट्स. अभी तक 118 एलिमेंट की खोज हुए हैं, यह खोज लगातार कंटिन्यू जारी रहते हैं, लेकिन अभी तक जो मालूम है वह सिर्फ 118 एलिमेंट्स के बारे में मालूम है. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस 118 नोन एलिमेंट्स. नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आवर अर्थ. अर्थ पर तीन तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, या मेटल्स के रूप में, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट अकर्स ऑन द अर्थ, दिस इज द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. एलिमेंट्स जनरली अकर्स इन आवर नेचर, इट कैन इज फ्रॉम आवर नेचर, सच एज द आयरन, जिंक, कॉपर, कोल्ड, दीज आर द एलिमेंट्स दैट कम्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट से प्राप्त होते हैं सम ऑफ द एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द सराउंडिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग. सो वी कैन से दैट द एलिमेंट्स अकर्स इन आवर नेचर इन थ्री फॉर्म्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. नाउ इन दिस पार्ट वी लर्न अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स बाहरी बराबर, बाहर के यानी एक्सटर्नल फीचर के द्वारा हाउ टू डिफ्रेंशिएट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हम बाहर से किसी चीज़ को देख करके, किसी भी एलिमेंट को देख करके हम कैसे कह सकते हैं कि यह मेटल्स हैं और या नॉन मेटल्स हैं. तो नाउ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स थ्रू विच वी कैन फाइंड द विच एलिमेंट्स आर मेटल्स और विच एलिमेंट्स आर नॉन मेटल. नाउ फर्स्ट दिस इज फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट मीन्स देर आर थ्री फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सो जनरली मेटल्स जनरली आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मेटल्स जो होते हैं वह रूम टेम्परेचर पर सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, बट इन केस नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस फॉर्म. मिनरल मेटल्स जो होते हैं वह सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड भी पाए जाते हैं और गैसेस भी पाए जाते हैं. सॉलिड एग्जाम्पल कार्बन, लिक्विड ब्रोमीन और गैसेस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, दीज आर द नॉन मेटल्स. नाउ मेटल्स जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर मरकरी की वैसे मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज द लस्टर. लस्टर प्रॉपर्टी, लस्टर ऑल द मेटल्स ऑन द शाइनी सरफेस. शाइनी सरफेस रिलेटेड टू द लस्टर प्रॉपर्टी एंड लस्टरस मीन्स शाइनी सरफेस. ऑल द मेटल्स ऑन द शाइनी सरफेस शरीर के चमकते हुए सरफेस होते हैं, उसके सरफेस चमक होते हैं. बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स एट द डल सरफेस नॉन लस्टरस. ऑल द नॉन मेटल्स सो द नॉन लस्टरस एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट में चमक होते हैं, शाइनी सरफेस होते हैं. सो यू कैन सी दैट ऑल द नॉन मेटल्स हैव अ डल सरफेस और नॉन लस्टरस एक्सेप्ट ग्रेफाइट.
Now, second, third, this is the hardness. Hardness, the hardness, the metal. So, the generally, metal generally hard. सभी मेटल्स हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम आर द सॉफ्टेस्ट सॉफ्ट मेटल्स. इट कैन कट इजीली विद द हेल्प ऑफ नाइफ. आप इसे चाकू की मदद से आसानी से काट सकते हैं. ये ऐसे मेटल्स हैं सोडियम एंड पोटेशियम, ऐसे मेटल्स हैं जिसको आप इजीली वे में किसी भी नाइफ से आप उसे काट सकते हैं. नाउ नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट मेटल्स के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो नॉन मेटल्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द आवर नेचर. इन द आवर नेचर हमारे नेचर में डायमंड द हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड दिस आर द दिस इज द नॉन मेटल्स. तो ऑल द नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड. नाउ नेक्स्ट डेंसिटी. डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम. कितना कौन ज़्यादा भारी है यह आप डेंसिटी से प्राप्त करते हैं. डेंसिटी ऑल द मेटल्स जनरली हाई डेंसिटी इस हाई डेंसिटी होते हैं एंड नॉन मेटल्स हैव द लो डेंसिटी. नाउ नेक्स्ट मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी दिस द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स. वी कैन चेंज द मेटल्स इनटू द सीट बाय द हैमरिंग. हैमरिंग करके मेटल्स को हम सीट में चेंज कर देते हैं. यह प्रॉपर्टी कहलाते हैं मेलेबल प्रॉपर्टी कहलाते हैं. अवेलेबिलिटी डायबिलिटी ऑफ द मेटल्स वी कैन चेंज इन टू सीट बाई द हैमरिंग. हैमरिंग करके हम अगर मेटल्स को हम सीट में चेंज कर सकते हैं एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलेबल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स. एंड मेटल्स ऑल द मेटल्स शो द मेलेबल ग्रेटर मेलेबल द गोल्ड 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 सिल्वर विद हाईली मेलेबल मेटल्स. गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं हाईली मेलेबल होते हैं. नाउ नॉन मेटल्स या नॉन मेलेबल इज अ ब्रिटल. ब्रिटल इन नेचर. ब्रिटल मीन्स वी कैन ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द हैमरिंग. अगर नॉन मेटल्स पर आप हैमरिंग करते हैं तो वह छोटे छोटे पीस में टूट जाते हैं. लेकिन इस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल्स और नॉन मेलेबल. But metals show the flavor, it can be changed into sheet by the handling. Now next property is the ductility. Ductile property of the metal, all the metals show the ductile because metals we can draw into thin wires. आप metals से thin wire बना सकते हैं जैसे copper wire आते हैं, aluminium wire आते हैं, silver wire आते हैं, gold wire होते हैं. तो इस तरह से हम metals से wire को हम बना सकते हैं, wire बना सकते हैं. और यह प्रॉपर्टी कहलाते हैं क्या डक्टिलिटी प्रॉपर्टी. डक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स. मेटल्स शो द डक्टाइल प्रॉपर्टीज बट नॉन मेटल्स डू नॉट शो द डक्टाइल प्रॉपर्टी. इज द नॉन डक्टाइल. इट कैन नॉट बी ड्रॉ इनटू थिन सिटी थिन वायर्स फ्रॉम नॉन मेटल्स. नाउ सोनोरिटी. सोनोरिटी मींस सोनोरस साउंड रिंगिंग साउंड. ऑल द मेटल्स शो द रिंगिंग साउंड बाय हैमरिंग और बाय with contact with one another with two metals को जब आपस में आप हैंड करते हैं वो सोनर साउंड प्रोड्यूस करते हैं. सोनर साउंड इज रिंगिंग साउंड. ऑल द मेटल्स शो द सोनरस प्रॉपर्टी बट नॉन मेटल डू नॉट हैव द सोनरस प्रॉपर्टी. इज आर नॉट सोनरस. इट कैन नॉट प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड. या नॉन मेटल्स द्वारा हम सोनर साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स द एलिमेंट्स व्हिच कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दिस प्रॉपर्टी नोन एज थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ऑल द मेटल्स हैव अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सभी मेटल्स होते हैं वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. इसीलिए आप देखते होंगे जितने मेटल्स में आप इंडस्ट्रियल जो बर्तन होते हैं जो उसमें इंडस्ट्रियल होते हैं उसमें हम आपको भोजन बनाते हैं क्योंकि वह गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. वी कैन यूज द वायर्स ऑफ द कॉपर अल्मोनियम बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ ऑल द नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स होते हैं वह बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. वी कैन नॉट ट्रांसफर द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द नॉन मेटल्स एक्सेप्ट
ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के लिए यह गुड कंडक्टर होते हैं। लास्ट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट द पॉइंट एट व्हिच द टेंपरेचर एट व्हिच एनी सब्सटेंस कैन बॉइल इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड माय मेल्टिंग पॉइंट इज द टेंपरेचर एट व्हिच एनी सब्सटेंस कैन गेट मेल्ट। जिस टेंपरेचर पर कोई बॉइल करना शुरू करते हैं वह उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाते हैं, जिस टेंपरेचर पर कोई भी एलिमेंट्स मेल्ट होते हैं वह उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाते हैं। एंड द मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटासियम, सोडियम एंड पोटासियम होते हैं इसके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। एंड ऑल द मेटल्स हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट छोड़ करके बाकी तीन मेटल्स होते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। नाउ दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ मेटलॉइड, व्हाट इज मेटलॉइड? मेटलॉइड द एलिमेंट इट पोसेस द बोथ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को पोसेस करते हो उसे हम मेटलॉइड बोलते हैं। मेटलॉइड सच एज सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर द मेटलॉइड्स दैट पोसेस बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सर सिलिकॉन जर्मेनियम इट द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट द रूम टेम्परेचर, बट एट द हाई टेम्परेचर इट शो द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वी कैन से दैट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम पॉसेस बोथ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वी कैन से दैट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द मेटलॉइड्स। ओके, थैंक यू।